दोस्तों, यह बॉलीवुड के 60 और 70 दशक के सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार साहब का बंगला। तो गाइस यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा है 34B श्रीमती सहरा बानू बंगलो। जी हां गाइस, इसी बंगले में सहरा बानू और उनके पति दिलीप कुमार साहब रहा करते थे। दिलीप कुमार साहब इस दुनिया में नहीं रहे, बट ये उनका बंगला है गाइस, और अभी उनकी पत्नी सहरा बानू रहती है गाइस, देख सकते हो। इसी बंगले में दिलीप कुमार साहब पहले वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करते थे गाइस। और यहाँ पे है मेन गेट, मैं आपको थोड़ा अंदर का सीन जूम करके देखा था गाइस। यहाँ पे देख सकते हो, ये बंगला भी काफी शानदार देखने थे, जो कि देख सकते हो। और ये बंगला गाइस बहुत ही बड़ा बंगला है, और यहाँ पे साइड से जो पेड़ पौधा जो लगाया गया, जो कि काफी अमेजिंग, काफी हरा भरा देखने को लगता है। और ये रोड भी काफी साफ सुथरा है, जो कि देख गाइस आपको बता दो, दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था। उनका पहला नाम था यूसुफ खान। जब वो फिल्मी इंडस्ट्री में आए तब उनका नाम दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए थे, और वो अपने जमाने के बहुत ही मशहूर अभिनेते थे। और उन्होंने अपनी करियर में 65 से ज्यादा फिल्मों में भी अभिनय कर चुके थे गाइस। और इसी घर में रहा करते थे वो अपनी पूरी फैमिली के साथ, जो कि देख सकते हो। इस बंगला के साइड से कितना पेड़ पौधा जो लगाया गया है, जो कि काफी हरा भरा देखने को लगता है। और ये बंगला भी काफी शानदार देखने में गाइस। दिलीप कुमार साहब का संपत्ति की बात करें तो पास 6,800 करोड़ रुपए के मालिक थे। इनके निधन के बाद इनकी सारी संपत्ति के मालकिन इनकी पत्नी सहरा बानू के पास चले गए, और इस बंगला प्राय 350 करोड़ से ज्यादा है गाइस। और इनके जस्ट बगल में इमरान हाशमी का घर है, जो कि ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है, देख सकते हो। ये इमरान हाशमी का घर, और वहाँ पे संजय दत्त का घर। आप कभी भी बांद्रा पाली हिल आते हो तो यहाँ पे बहुत सारा बॉलीवुड सितारों को घर देखेगा, और यहाँ पे दिलीप कुमार साहब का घर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।